ये है पुलिस की गिरफ्त में बागपत के रहने वाले तीन जिगरी दोस्त अपने चौथे पार्टनर दोस्त के साथ, जिन्होंने बेरोजगारी में कोई नौकरी न होने के कारण सभी ने मिलकर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन इनकी किस्मत ने ऐसा तमाचा मारा कि लखपति बनने के बजाय सीधा तिहाड़ पहुंच गए। तिमारपुर पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से इन चारों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 5,20,000 कैश, हथियार, जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया। डीसीपी सागर सिंह कलसी के अनुसार गिरफ्तार किए गए लुटेरों की पहचान अरुण शर्मा, विनय शर्मा, महक यादव और इन्फॉर्मर बॉबी के रूप में हुई है। इनमें से तीन लुटेरे बागपत के रहने वाले हैं और सभी बचपन के जिगरी दोस्त हैं। के पे टेक्निकल और जो हमारे मुखबर हैं उनके हिसाब से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। काफी टीमें लगाई, इसमें एक टीम जो कि सर्वेंट्स वेरिफिकेशन कर रही थी, उसमें एक लड़का बॉबी करके जो इनका दुकान पे काम करता है, वहां से हमें एक लीड मिली। उससे टच में एक अरुण कुमार है जो मेन इसका कॉन्स्पिरेटर है, उसकी बात पता चली कि उसने ये बनाया था कि उनके मालिक को लूटना है। और इस तरीके से करते करते बागपत, लोनी और खेखरा बागपत में है, वहां से अलग अलग जगह से हमने चार लड़कों को गिरफ्तार किया है।